हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज, आज बात करने वाले हैं कि डर को अगर फेस करेंगे तो क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है, इसके बारे में। चलिए पहले कुछ जो है कि जानते हैं कि हमें जो डर करना है। OCD में तीन चीज़ होता है। ये आपका OCD में क्या होता है गाइज? तीन चीज़ है। पहला क्या है? डाउट आता है आपका। डाउट के साथ जो है डर आता है, जुड़ा हुआ रहता है डर। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? फियर। इसको हम लोग क्या कहते हैं गाइज? फियर कहते हैं। फियर के साथ जो जुड़ाव रहता है आपका, जो है जो आप चेकिंग करते हैं, ये होता है कंपल्सन। ठीक है गाइज, क्या आ रहा है? डाउट, डर और कंपल्सन, ये क्या चीज़ होते हैं? तीन चीज़ होते हैं आपको जो है कि ये OCD में। अब ये देखिए, डाउट पे आपका कंट्रोल नहीं है। आप यहाँ पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। ठीक है, कभी भी कहीं भी कोई भी सिचुएशन में आपको क्या होता है? डाउट आ सकते हैं। ठीक है गाइज, तो क्या करना है कि अगर जो है कि फियर, ये जो है डाउट के वजह से क्या होता है कि फियर आता है जुड़ा हुआ, जैसे कि आपको गंदगी लगा हुआ रहता है लेकिन आपको लगता है कि हम जो है कि हमें जो है कि साफ नहीं किया तो गंदगी फैल जाएगी, ये फैल जाने का डर हुआ। अब देखिए, एक किसी को हार्म OCD में क्या होता है कि कोई डाउट आ जाता है, कहीं रोड पे चल रहे हैं, किसी को हम थप्पड़ ने मार दे, किसी से बात कर रहे हैं थप्पड़ ने मार दे, ये डाउट आ रहा है, उसके वजह से डर आ रहा है कोई लोग हमको नुकसान पहुंचा देंगे, कुछ हमारे साथ जो है कहीं हम अपना हानि ना कर ले, ये डर जो है दिखाता है। इसके वजह से क्या करते हैं? कंपल्सन करते हैं, साफ सफाई करने लगते हैं या चेकिंग करने लगते हैं। कंपल्सन में क्या करते हैं? एक तो दूर भागने का प्रयास करते हैं गाइज, या तो जो है कि बचने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज़ जो है कि आपको कंपल्सन में कर रहे थे, लेकिन इस दोनों को जो है कि अगर इसको ठीक करने में लगेंगे तो बीमारी जो है ठीक नहीं होगी और बढ़ जाएगा। डॉट को आप कंपल्सन से ठीक करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इससे क्या होता है? ये दोनों जो है OCD को बढ़ाने वाला चीज़ है। तो आपको क्या करना है? डॉट को क्या करना है कि ना डॉट को ठीक करना है, ना कंपल्सन पे फोकस करना है। आपको ये फियर जो जोड़ रहा हुआ, अगर आपके अंदर से जो भी चीज़ डाउट आ रहा है उसका डर ख़त्म हो जाए, डर ठीक कर ले तो आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। तो क्या करना है? इस डर के ऊपर जो ये जो डर दिखा रहा है आपको, इस डर को जो है कि झूठा साबित करना। ये जो OCD में डर है, ये क्या डर है? मिथ्या डर मतलब झूठा डर है। ये कौन है? झूठा डर है, सही डर नहीं है। ये सच लग रहा है, ये जो है लग रहा है लेकिन सच नहीं है गाइज। क्या है ये? सच नहीं है, सिर्फ ये लग रहा है। ये झूठा जो डर जो है कि सच लग रहा है लेकिन सच है नहीं, ये सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है इसमें। तो ये डर को झूठा साबित करना है। जिस दिन से आप झूठा साबित करने लगेंगे इस डर को, तो ये जो है कि आपको कंपल्सन अपने आप कम हो जाएगा, डर अपने आप कम हो जाएगा। गाइज, अभी जो है कि जाने कि इस डर को झूठा साबित करेंगे तो क्या होगा, इस बीमारी से आप बाहर निकलेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि डर को जो है कि फेस करने का क्या फ़ायदा है। अगर फ़ायदा जान लेंगे तो आप जो है कि डर को जल्दी से जो है कि आप ठीक कर पाएंगे। डर ही आपको बांध देता है, डर ही आपको कंपल्सन करने पर मजबूर कर देता है गाइज। डर आपको चेकिंग करने के लिए, आपको कंपल्सन करने के लिए मजबूर करता है। तो इस डर को जो है कि अगर फेस कर लेंगे, इस डर को फेस करेंगे मतलब उसका सामना करेंगे, ये मिथ्या डर है, ये डर क्या है? झूठा डर। इसको फेस करेंगे तो थोड़ा सा आपके अंदर घबराहट बढ़ेगी। ठीक है, घबराहट बढ़ेगी क्योंकि आपका मन जो है कि इस चीज़ को जो है कि सही मान लेगा, ये डर को सही मान रहा होता है। तो आपको क्या करना है? इस डर घबराहट को आपको सहन करना है। अब फेस करेंगे तो फ़ायदा क्या क्या होगा, अभी ये चीज़ जानिए। पहले क्या होगा? ये झूठा डर साबित होगा। जब आप फेस करेंगे इसको तो देखेंगे ये जो है कि आपको जो है कि जैसा सोच रहे थे कि ये हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, गंदगी फैल जाएगी, भगवान सजा दे देंगे, कहीं हम किसी का नुकसान नहीं पहुंचा दें, ये जो डर लग रहा था, ये डर सच में है ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं, ये सिर्फ लग रहा है, ऐसा होता नहीं। इसके वजह से क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस आपका क्या होगा गाइस? बढ़ेगा। आपका अपने ऊपर आत्मविश्वास कम हो जाता है। कॉन्फिडेंट आप होंगे, आप जो है कि अपने अंदर मजबूत फील करेंगे। आप जो देखेंगे, अरे ये तो जो है कि डर जो है कि जो हमें दिखा रहा था इससे कुछ हुआ ही नहीं,
तब फिर क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप अपने नज़रों में उठने लगेंगे, आप अपने नज़रों में उठने लगेंगे, आप अपने नज़रों में जो है कि अच्छा बनने लगेंगे। आप अपने नज़रों में कहेंगे अरे ये तो सिर्फ डाउट आ रहा था, ये डर की वजह से कुछ होता ही नहीं है, बशर्ते हम झूठ मूठ का ही डर रहे हैं। तो इसके वजह से क्या होगा कि आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर पाएंगे, लोगों के साथ आप अच्छा व्यवहार करेंगे। जो अभी डर के कारण से क्या होता है, आप जो है किसी से कोई काम के बारे में बात करने के लिए जाते हैं तो काम के साथ लोगों को आप बात नहीं कर पाते हैं। तो लोगों के साथ आप जो है अच्छा व्यवहार करेंगे, कोई काम करने में आपको मन लगेगा, जो काम करने में आप रुक जाते हैं, डर दिखाता है आपको, फैमिली को लेकर परिवार को लेकर के जो डर दिखाता है, ये झूठा डर जब आप साबित करने लगेंगे, फेस करने लगेंगे, तो फिर जो है कि आप देखेंगे ये तो विचार है, इससे तो सिर्फ सोच है, इससे कुछ होता है नहीं। तो आप हरे वो काम अच्छे तरीके से काम, जो काम आपका मन अभी क्या करता है, प्रेशर दे के रोक देता है, फिर आप वो काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जब आपको ये डर नहीं रहेगा तो आप सोचिए कि उस जो हमें जो डाउट आ रहा है इस समय हम कैसे डील करेंगे, आपको ताला का लगा, आप बोलेंगे ठीक है हो जाए तो हो जाए, क्योंकि आप फेस कर लिए कि ये तो झूठा डर है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तब क्या होगा, आप धीरे धीरे जो है कि बीमारी से बाहर निकल लेंगे। तो ये चीज़ फ़ायदा है, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे, आप सोच आप तब जान पाएंगे कि इस डर को झूठा, कि ये डर झूठा डर है, ये ब्रेन में जो है कि ये ओसीडी बीमारी जो डर पैदा कर देता है, और इससे जो है कि आप अपने कामों को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। जब इस डर को फेस करने लगेंगे तो आप हर एक काम में मजबूत बनेंगे, लोगों से अच्छे जाके बातचीत करेंगे, आप जो है कॉन्फिडेंट होकर हर एक काम को कर पाएंगे। जहाँ भी आपको डाउट आएगा आप समझते जाएंगे तो ओसीडी का विचार है, इससे कुछ होता ही नहीं है, तो फिर आपका लाइफ दिन प्रतिदिन बेहतर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि डर को फेस करने से क्या क्या फ़ायदा है। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।